नमस्ते, म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज बस्नेत र मलाई क्यामेरामा साथ दिनुभएको छ अर्जुन जीसी। अहिले हामी मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा छौँ। हामीसँग हुन्छ मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष। अध्यक्ष हजुरको परिचय पाउँ। सम्पूर्णमै नमस्कार। मर्चवारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, हाम्रो नाउँ जनार्दन यादव हो। जस्तो यहाँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि यहाँको विकास निर्माण कामलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, के छ अवस्था? ए सर, विकासको लागि कृषिमै सर मान लीजिए सर, हमन के कृषि जोन बा और टेबल रहा सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहा। कहे से कि हमन के सिंचाई के कि कृषि क्षेत्र हमन के हो, कृषि क्षेत्र के नाते हमन के सिंचाई के थोड़ा सा पानी के यहाँ परेशानी बा। एक नाते हमन के मान लीजिए टेबल हो जात तो बहुत बढ़िया चीज़ रहा कि यहाँ टेबल से हमन के किसानी कहे से कि उत्पादन कैले के लिए कृषि के लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहा। एक एक नाते से हमन के टेबल के थोड़ा सा आवश्यकता बा, पानी का आवश्यकता बहुत जरूरी बा। अब मान लीजिए हमन के वार्ड के लायक जोन काम बा जोन तो हमारे किसान से पूर्ति कर जाता बहुत छोट छोट क्या बोला ला ये बोरिंग दे के, बाकी हमन के टेबल बड़ा हो जाता और बढ़िया चीज़ रहा सर। जस्तो तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि जस्तो युवा महिला पिछडिएको वर्ग दलितलाई के त्यस्ता राहत कार्यक्रमहरू केही वितरण गर्नु भएको छ, केही छ? ए सर, राहत तो वितरण सर तक अभी तक कोनो काम विशेष वैसा नहीं कल गए हैं। और बाद में पिछड़े के लिए बकर हमन के राहत अब वितरण करे के लिए यहीं से योजना डालल जाए कोनो चीज़ तब वितरण कहीं मिली। बकर हमारे प्रयास करते बाटी कि कुछ वितरण गरीबन के लिए का बोला कल जा, फिर हमन के आशा रखत बाटी कि गरीबन के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल अपने वाडा से अधिक करे के विचार बनौले बाटी कि जोन हमारे लायक खाने पानी भइल छोटा छोटा टेबल भइल कुल काम हम अपने वाडा से सर करत बाटी। कहे से कि गरीब आदमी के देखब वाडा का दायित्व है कि ओके हमन के गरीब आदमी के देखब हमन के जरूरी चीज़ बा सर। अलग शिक्षा तीर जाऊँ, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को यो वडा नंबर 3 अवस्था कस्तो छ? शिक्षा में सर, शिक्षा तो हमारे वार्ड नंबर 3 में शिक्षा के लिए सर एकदम ठीक बा, कोनो परेशानी शिक्षा के लिए नहीं बा। कहे से शिक्षा के पहले नंबर हमारे भी वाडा से जाना थी सर कि पहले हमन के जरूरी बा शिक्षा के, शिक्षा के बाद में हमन के शिक्षा जब रही तो आदमी कहीं भी रही कोनो काम कर सकाला। जब आदमी के बुद्धि भी नहीं रही तो शिक्षा नहीं रही तो कोनो काम नहीं कर सकाला। एक नाते शिक्षा हो हमन के जरूरी चीज़ बा। और बाद में फिर हमन के सर आदमी के स्वास्थ्य ही बढ़िया होवे के चाहे, जब स्वास्थ्य नहीं बढ़िया बा तो सर हर एक संपत्ति आदमी के बेकार बा, चाहे जो संपत्ति रहे सर। आदमी जब बीमार हो गए कितनों संपत्ति रहे तो धन आधा हो गए बुझल जा। आ जब एक नाते स्वास्थ्य भी बढ़िया होवे के चाहे हमन के, हमारे स्वास्थ्य में भी हमारे शिक्षा भी लगल ही स्वास्थ्य में भी लगल बाटी, फिर हमन के कृषि भी आवश्यकता चीज़ बा। कहे से कि हमन के यहाँ के कृषि के लिए हमन के खेती पाती के उत्पादन हमू कृषि के लड़का हो नहीं बात या सर हमारे लग को वैसा नौकरी बा है, हमू कृषि मारे ही कृषि में हमारे पिलल ही नाते हमन के कृषि भी आवश्यकता बा। कुल शिक्षा भइल, स्वास्थ्य भइल, कृषि भइल, सारी कुले देखब हमार दायित्व है। जब लेक हम वार्ड में रहब तब ले कि कुले चीज़ हम देखब, गरीबन के भी देखभाल करबे हूँ और जो हमारे लायक आवश्यकता रही सेवा देवे के रही जनता के हम भरपूर करबे। दोस्तों, यहाँ को आय को स्रोत वडा नंबर 7 को 3 को आय को स्रोत की हो कि अभी सर हमारे 3 नंबर के स्रोत सर बाहरी कहीं से नहीं बा सर। हमन के जोन बा जोन गाँव पालिका से जोन स्रोत बा वह बा जोन हमन के वार्ड नंबर 3 में मनो हर वाड़ा में जोन मिल जाला वह स्रोत बा। मान लीजिए परदेश से पैसा आवत बा सर और जगह से पैसा आवत बा, वार्ड से वार्ड में तो पता नहीं काहे समझी में नहीं आवत बा कि वार्ड से कोनो मतलब नहीं रखत हन। जे चाहे परदेश से पैसा आवे चाहे केंद्रीय पैसा आवे वार्ड से ने पूछते हैं अपन कैसी कैसी समझौता कहके अपन कारोबार कहके अपन पैसा भी निकाल लेते बाटन। जोन हमन के वह पैसा मिल जात बा 80 लाख रुपया वह विकास होके वह हमारे अपन कल जात बा। या तो मान ले जा केहू नेति नेता से कहके कुछ काम अपन बाहरी विकास के लिए मांग लिए जाला वह विकास होके सर, अब बाहरी स्रोत नहीं बा सर। जस्तो तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि यहाँको उत्साहजनक छ छैन, कस्तो अवस्था छ, जनप्रतिनिधि जनताको कस्तो अवस्था छ? अवस्था त सर यहाँ प्रतिनिधि के यहाँ जनता के उत्तर तो बहुत ही बढ़िया बा। हम जब से वार्ड नंबर 3 में वार्ड अध्यक्ष भैली सर तब से
24 घंटा ही टाइम देवे के तैयार रहिला। टाइम कबू नहीं पूछती का बोलला कि तू 4 बज गेल 5 बज गेल ऑफिस बंद हो गई और बाद में हम 10 बजे अब ऑफिस पर तब साइन करबे। ये कुल्ले सर हम जब से चुनाव जीतल ही जब से जनता के सेवा दहले में जब कबू भी आवश्यकता जनता पड़ल हरदम तैयार बाटी। 24 घंटा बुझले जा तैयार ही कबू भी उसके आवश्यकता पड़ल तो हम वहाँ जनता के लिए एकदम तैयार बाटी काम कैले के लिए। जस्तो तपाईँ अहिलेको अब 82 वर्ष कार्यकाल देखाइसक्नु भएको छ, 81 मा बजेट विनियोजन गर्दा केलाई प्राथमिकता राखेर मैले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? 2 वर्षको सर अब आउने वर्ष सर मान लिन्छ हाम्रो वार्ड नम्बर 3 जोन सड़क बा यातायात भइल ओके हमें बनाए जरूरी बा। जहाँ जहाँ हमारे वार्ड बिगड़ल बा जोन किसानन के कोनो चीज के परेशानी भइल छोटा छोटा टेबल ओके देव जरूरी हो सर। और बाद में खाने पानी केहूँ के स्वच्छ नहीं बा, आदमी गरीब बा ओके देव हमार दायित्व है। जब ले के कुर्सी बैठे के बाद जब ले हमे सर उन्हें देव भी उनका देखभाल ही कर हमार दायित्व बा, हम उन्हें देखभाल भी अपने कार्यकाल में सेवा के लिए सर 24 घंटा ही तैयार बाटी कैले के लिए। धन्यवाद आपको समय र सूचना दिए हमी सहयोग मर्चवारी गाँवपालिका वडा नंबर 3 को अध्यक्षजी धन्यवाद।